भारत और चाइना के बीच में तनाव के साथ ही बालाघाट में चाइनीज कंपनी के द्वारा भारतीय मजदूरों से रोजगार छीनने का मामला सामने आया है। दरअसल बालाघाट जिले में भारत सरकार की उपक्रम मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के लिए चाइनीज कंपनी चाइना कोल CC3 काम कर रही है। इस कंपनी ने 72 भारतीय मजदूरों को काम से निकाल दिया है। एक साल से यह लोग कंपनी के अंडरग्राउंड शाफ्ट निर्माण का कार्य कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान काम बंद हुआ तो वहीं कंपनी ने जैसे ही काम फिर से शुरू किया, यह मजदूर गए तो उन्हें संक्रमण का हवाला देकर वापस भेज दिया है। अधिकारियों ने काम देने से इनकार कर दिया है। रोजगार जाने से यह मजदूर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, तो वहीं उन्होंने अब सरकार के समक्ष अपनी शिकायत रखी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट। आपका परिचय? इमरान खान, सामाजिक कार्यकर्ता। क्या समस्या को लेके आप एक साथ आज यहाँ पे मीटिंग की गई है आपकी? ये हमें जानकारी मिली कि माइंस में एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो चाइना कंपनी है, डेल्टा कंपनी के नाम से, वो यहाँ काम कर रही है और यहाँ पर इनके जो मजदूर है, लगभग 70 से 72 मजदूर हैं, इन लोगों को लगभग 3 महीने से इनका काम बंद है और इन लोगों ने पैसे की कुछ डिमांड करी थी कि आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर है, 10,000 रुपये की माइंस के द्वारा, तो इनको अभी तक ये पैसा नहीं लौटाया दिया गया है और अब इन्होंने समस्या बताई तो इनकी समस्या मिले तो इनको हमको ये भी जानकारी मिली है कि इनकी जो कंपनी है चाइना वाले, ये बोलते हैं कि इनको कोरोना है इसलिए हम इनको काम पे नहीं रखेंगे और सारा का सारा काम हम करेंगे। और आज जो देश में हालात बने हुए हैं, हमारे देश के 20 जवानों को शहीद कर दिया गया चाइना कंपनी का, हम ये मांग चाहते हैं कि ऐसी कंपनी का ठेका ही रद्द किया जाए और इस कंपनी को यहाँ से बाहर किया जाए जिले से और यहाँ की इंडियन कंपनी को काम मिले, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों को वो मिले, काम मिले। यही हम मांग चाहते हैं शासन प्रशासन से और ऐसी कंपनी को बाहर किया जाए। जैसे माइन ने अगर इनकी सुनवाई नहीं की तो आपका संगठन इनके लिए क्या करेगा? अगर माइंस और इनकी चाइना कंपनी अगर इनकी मांगे नहीं मानता है तो हमारा संगठन इनके लिए हमेशा खड़े रहा है, खड़े रहेगा और जहां तक हो सके तो लॉकडाउन खुलने के बाद में जो भी होता है आंदोलन, तो आंदोलन भी किया जाएगा इनके साथ में मिलकर के, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों के साथ में अन्याय वाली बात है कि बाहर की कंपनी आके काम कर रही है, ऊपर से हमारे देश पे हमले कर रहा है चाइना और हमारे देश के जवानों को शहीद कर रहा है। इस वजह से ये सी कंपनियों को रद्द किया जाए और हमारे देश की कंपनियों को, देसी कंपनियों को यहाँ का ठेका दिया जाए। क्या नाम है आपका? रोल जी, सीतेश कटौती नाम है मेरा। मैं चाइना को नंबर 3 का वर्कर हूँ, अंडरग्राउंड वर्कर हूँ और लॉकडाउन के चलते में अभी हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बाद अभी जब से खुला है, जब से काम भी चालू है, तो उन्होंने किसी भी इंडियन वर्कर को काम पे वापस लेने से मना कर दिया। क्या कह रही चाइनीज कंपनी, क्यों इंडिया जा रहा था? वो लोग का कहना यही है कि जितने बार भी जाओ तो लोग यही कहते हैं जब तक हमको ऊपर से परमिशन नहीं आएगी, जब तक हम इंडियन वर्करों के साथ काम नहीं करेंगे। वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ हम काम करते तो यहाँ से तुम खुले से आते हो तो कोरोना होने का डर रहेगा, यही कारण बताते हैं। क्या कार्रवाई इस मामले में आप कर रहे हैं? ये सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ एक कंपनी जो कि माइज कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कुछ लोगों को काम से बाहर किया है। उसका कारण क्या है ये अभी तक उसमें स्पष्ट नहीं है। ये सूचना जो कि कल ही प्राप्त हुई है, तो इसमें एक बार कंपनी के प्रबंधन को बुलाकर उनसे चर्चा की जाएगी, कारण क्या वो जाना जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसका अनुरूप की जाएगी।